वैसे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा बहुत हाई रहते हैं विशाल भारद्वाज की फिल्मों से. उनके एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े अलग होते हैं. आमतौर पे लोग विशाल जी का नाम सुनते हैं, उनको लगता है कि बड़ी डार्क फिल्म होगी, गंदी फिल्म होगी, अडल्ट फिल्म होगी. ये उनके लिए बहुत अलग फिल्म है. पहली बार उन्होंने यूए फिल्म बनाई है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. पहली बार उन्होंने कॉमेडी फिल्म बनाई है, और मुझे समझ भी नहीं आता है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गज़ब का है. इज अ वेरी वेरी फनी, वेरी विटी पर्सन. लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से काफ़ी मिलता है. वेरी सार्केस्टिक, वेरी वेरी स्ट्रेट फेस. तो ही एंड आई एक्चुअली गॉट ऑन वेरी वेल. उनके जोक्स मुझे बड़े पसंद आए. आई थिंक दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी ऑल्सो टू द स्क्रिप्ट. बहुत बहुत मुश्किल काम था. आई कैन नॉट लाई अबाउट दैट एंड से कि मेरे लिए बड़ा आसान था. बहुत मेहनत करनी पड़ी. लेकिन मुझे बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि अपनी करियर में पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं कुछ इतना अलग करके दिखाऊं. तीन महीने तक मैंने प्रेपरेशंस किए. मैं दिल्ली चला गया, और वहाँ जो दिल्ली के रहने वाले उन्हें ज़रूर एक्ट वन और एन के शर्मा का नाम सुना होगा. तो आई जॉइंड एक्ट वन. आई ट्रेन विद एन के शर्मा. और हमें सिर्फ भाषा सीखनी नहीं पड़ी. हर एक शहर, हर गांव का एक बोलने का एक अंदाज़ होता है, एक लहजा होता है. वो भी सीखना पड़ा, क्योंकि शब्द तो कागज़ पर लिखे होते हैं, यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम दैट एंड से इट, लेकिन फिर आप कन्विंसिंग नहीं होंगे. तो मुझे वहाँ के अंदाजे सीखने पड़े. और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि हमारे थिएटर ग्रुप में दो लड़के थे जो रोहतक के रहने वाले हैं. तो उनके साथ बैठकर जब हम रिहर्सल्स नहीं भी कर रहे होते थे, बैठ के जब चाय पी रहे थे, आप किसी को देखकर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि वो बैठते कैसे हैं, वो सिगरेट कैसे जलाते हैं, अपने चश्मे कैसे पहनते हैं, उतारते हैं. तो ये सब देख के, ऑब्जर्व करके आपको सीखने को मिलता है कि वहाँ के लोग होते कैसे हैं. एंड दैट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी. सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप उनके साथ ज़्यादा लड़ने की कोशिश ना करें. अगर आप 5 मिनट के अंदर जीत नहीं सकते हैं लड़ाई, तो फिर आप जीतने नहीं वाले हैं. तो 5 मिनट के बाद आप लड़ना छोड़ दीजिए और ये कहना कि भाई आप सही हैं, मैं गलत था, अब मुझे समझ में आ गया.